टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मनसे के ठाणे जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव को आज कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के दौरान कोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही आए हुए कार्यकर्ताओं ने अविनाश जाधव की फूलों से स्वागत किया। 31/7/2020 को अविनाश जाधव ने मुख्यालय के बाहर आंदोलन की थी नर्सों को लेकर, जिसके पश्चात प्रशासन ने 2 साल तड़ीपार की नोटिस दिया था अविनाश जाधव को, और 353 भी दाखिल किया गया है, यानी सरकारी काम में बांधा डालने का भी मामला दर्ज किया है। अविनाश जाधव का पक्ष लेते हुए एक शख्स ने कहा, 200 नर्सों को लेकर अविनाश ने आंदोलन किया था, जिसके बाद 353 का भी मामला दर्ज किया गया है, मौका सभी को मिलता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें। आज अविनाश जाधव को कोर्ट में हाजिर किया गया, उससे पहले कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखा। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रही। दरअसल नर्सों को उनके काम पर से निकाल दिया गया था। उसी सिलसिले में जाधव ने ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने आंदोलन किया था, उन्हें इसके लिए भी नोटिस भेजा गया है। इन मुद्दों को लेकर जाधव ने सोशल मीडिया के द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं पिछले कई वर्षों से लोगों के अधिकार के लिए लगातार आंदोलन कर रहा हूँ, मैंने अपने लिए कोई आंदोलन नहीं किया है। वसई में जो आंदोलन हुआ था वो कोविड सेंटर के लिए किया गया था। मराठवाड़ा, सांगली और सतारा में हमारी बहनों के लिए आंदोलन कर रहा था, तभी तड़ीपार का नोटिस दे दिया गया। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।